अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखो आपकी केमिस्ट्री के अंदर हमेशा एक्सेप्शन है, फिजिक्स में एक ही एक्सेप्शन है वाटर, वो भी केमिस्ट्री से आई हुई है। तो इसका थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का। जो वाटर है, देखो कोई भी लिक्विड क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड होता है। कोई भी लिक्विड टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड होता है, तो वाटर को भी तो होना चाहिए। वाटर होता है, एक्सपैंड होता है। वाटर की एक खास बात है कि वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे है और आप उसे हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, घटता है। वॉल्यूम घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है बस। फिर जैसे ही टेम्परेचर 4 हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल लिक्विड की तरह काम करता है और उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 0 से 4 की थोड़ी प्रॉपर्टी अलग है, 4 डिग्री के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टी है। तो इसका ग्राफ आएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करो, तो वॉल्यूम पहले घटता है 1 डेंसिटी से, ये वॉल्यूम सॉरी 1 से घट रहा है और फिर 4 डिग्री के बाद बढ़ रहा है। और डेंसिटी का उल्टा बिहेवियर है कि डेंसिटी की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी और फिर डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऑप्शन मार्क करने को आ जाए, पता होना चाहिए कि डेंसिटीज कैसे काम करती है और वॉल्यूम वाटर में क्या ग्राफ बनता है। ठीक,